नमस्कार वेलकम टू सी सी एस पेंशन रूल्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लासेस एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्री मेच्योर रिटायरमेंट एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट प्री मेच्योर रिटायरमेंट एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट हैज़ बीन गिवेन इन सब चैप्टर सिक्स छठे चैप्टर में प्री मेच्योर रिटायरमेंट एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट के बारे में दिया हुआ है और इसमें दो ही प्रोविजन है दो ही रूल है फ़र्स्ट रूल ये है कि रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ थर्टी ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ थर्टी ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस एंड रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्वेंटी ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस सो क्वालिफाइंग सर्विस इसमें ऐड रहेगा अगर इससे कम पड़ता है क्वालिफाइंग सर्विस तो आपको ऐड करना पड़ेगा सो so फोटी जो है 30 इयर्स के बारे में बात कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ थर्टी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फोर्टी थ्री जो है रिटायरमेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्वेंटी ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस सो देखते हैं फोर्टी टू रूल में क्या है रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ थर्टी ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस एट एनी टाइम आफ्टर गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ कम्प्लीटेड क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ थर्टी ईयर्स ही मे वी रिक्वायर्ड बाई अपॉइंटिंग ऑथॉरिटी टू रिटायर इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन द केस ऑफ़ सच रिटायरमेंट द गमेंट सर्वेंट शैल बी इंटाइटल टू अ रिटायरिंग पेंशन कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विथ रूल फोर्टी फोर सो थर्टी ईयर के बाद से रिटायरमेंट का ऑप्शन अगर चाहे तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी दे सकती है

ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी के तरफ से है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को हमारा काम ठीक नहीं लगता है तो तीन महीने की नोटिस और नहीं तो तीन महीने की सैलरी के साथ अगर तीस साल की सर्विस हो गई तो तीन तीन महीने की नोटिस या नहीं तो तीन साल तीन महीने के सैलरी के साथ नमस्कार कर सकती है फॉर रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर दिस रूल द सेम प्रोसीजर एज लेड डाउन बाई डिपार्टमेंट विल बी फॉलोड सो ध्यान देने वाली बात है एट एनी टाइम आफ्टर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ कम्प्लीटेड ए क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ थर्टी ईयर ही मे बी रिक्वायर्ड बाई अपॉइंटिंग पॉइंटिंग सो अपॉइंटिंग पॉइंटिंग ऑथॉरिटी रिटर्न में नोटिस इशू करेगी बोलेगी आपकी क्वालिफाइंग सर्विसेज थर्टी ईयर हो गई है आपके कार्य का अब वो चीज वो गति नहीं रही आपके कार्य में अब वो निपुणता नहीं रही दक्षता नहीं रही स्किल्ड नहीं रही जिसकी हमें ज़रूरत है इसलिए आपको तीन महीने की नोटिस दी जाती है आप तीन महीने बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा और नहीं तो आपको ये इमीडिएट रिटायरमेंट दिया जाता है और तीन महीने का आपको पे एन भी पे किया जाता है ऐसा रूल फोर्टी टू में मेंशन है तो अभी तक अगर आपने आप, आप चैनल हमारा देख रहे हैं यस सी के जी यूट्यूब चैनल और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइए रूल फोर्टी थ्री रिटायरमेंट ऑन कम्प्लीशन ऑफ ट्वेंटी ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस एट एनी टाइम आफ्टर अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ कम्पलीटेड ट्वेंटी ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस ही मे बाई गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन थ्री मंथ्स इन राइटिंग टू द सो देखिए क्या है जो रूल फोर्टी थ्री फोर्टी टू है रूल फोर्टी टू है ऑन कम्प्लीशन ऑफ थर्टी ईयर फ्राम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ से है भगाने वाला काम है और जो रूल फोर्टी थ्री है ये आपका वॉलन्ट्री रिटायरमेंट में आएगा ये आप 20 ईयर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस हो गई तो आफ्टर गिविंग ए नोटिस ऑफ नॉट लेस देन थ्री मंथ थ्री मंथ का नोटिस दे करके और आप डिपार्टमेंट को नमस्कार कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट द आफ्टर आप गिविंग दैट बिफोर गिविंग नोटिस तो इसमें क्या करना है 20 ईयर का जो क्वालिफाइंग सर्विस है इसको चेक करना है कि मेरा 20 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस हुआ कि नहीं कहीं इस बीच में कोई नॉन क्वालीफाइंग पीरियड तो नहीं हो गया है तो इसके लिए क्या करना है बिफोर गिविंग अ नोटिस ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिक्वेस्ट द एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ ट्वेंटी ईयर्स सो क्या करेंगे पहले वाला जो था ये रिटायरमेंट है जो फोर्टी टू है वो रिटायरमेंट है और जो फोर्टी थ्री है ये वॉल्ट्री रिटायरमेंट है फोटी टू जो है थर्टी इयर्स के बाद से गवर्नमेंट हमें नमस्कार कर सकती है और फोर्टी थ्री जो है फोर्टी थ्री में अगर हम चाहें तो ट्वेंटी इयर्स के कम्पलीशन पे डिपार्टमेंट को नमस्कार कर सकते हैं लेकिन इसमें यह है कि कंडीशन ये दिया गया है कि थ्री मंथ्स का नोटिस दोनों तरफ से होना चाहिए और ट्वेंटी ईयर वाले में नोटिस देने से पहले एक बार आप डिपार्टमेंट से इन रिटर्न कन्फर्म ले लीजिए कि आपने ट्वेंटी ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस कम्प्लीट कर ली है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो पंद्रह दिन के अंदर में आपको ये वॉलंट्री ये जो ट्वेंटी इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस का सर्टिफिकेट है वो इशू करेगी इसके बाद से प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर एक्सेप्टिंग द नोटिस फॉर वॉलंट्री रिटायरमेंट एंड पासिंग ऑर्डर इन दिस रिगार्ड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल सेटिस दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ ट्वेंटी ईयर्स सो so, इसमें क्या है अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेक करेगी आपको जो वॉल्ट्री uh, रेजिग्नेशन uh, जो रिटायरमेंट जो है इसको देने से पहले गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपका ट्वेंटी ईयर्स जो क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है प्रोवाइडेड अल्सो डेट दिस सब रूल शेल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट अच्छा ऐसा है ये जो रूल फोर्टी थ्री में 20 इयर्स की सर्विस करके और जाने वाली बात है ये इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं एक्सेप्शन क्या है साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए ये रूल लागू नहीं होता है अपॉइंटिंग ऑथोरिटी मे रिफ्यूज ऑन असाइनमेंट अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पोस्टेड अब्रॉड इन फॉरेन बेस्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑन ए साइंटिफिक कंट्रैक्ट असाइनमेंट टू अ फॉरन गवर्नमेंट सो ये कंडीशन जो है इस कंडीशन में आपका वॉलन्ट्री रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा ये आपके लिए नहीं है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल भी एलिजिबल टू रिटायर अंडर दिस रूल वनलीफ हीज कम्प्लीटेड एंड विल कंप्लीट अ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ ट्वेंटी ईयर्स ऑन द इंटेंडेड डेट आप जो डेट देंगे कि इस डेट में हम कंप्लीट कर रहे हैं तो इस डेट में हमारा आ, इस डेट से हमारा रिटायरमेंट माना जाए तो उसके लिए क्या करेंगे ट्रीटिंग फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर इक्वल टू थ्री मंथ्स एंड एब एज कम्प्लीटेड सिक्स मंथ पीरियड शेल नॉट बी अप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वालिफाइंग सर्विस सो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है आ, जो कैलकुलेशन है वो एवरी सिक्स मंथली कैलकुलेशन है और अगर थ्री मंथ से ज़्यादा किसी फ्रैक्शन में हो जाता है तो उसको सिक्स मंथ मान लिया जाता है दिस रूल इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर ट्वेंटी ईयर्स रिटायरमेंट नोटिस ऑफ वॉलंट्री रिटायरमेंट गिवेन अंडर सब रूल वन शेल रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द। सो जो नोटिस आपने दिया है वो दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रोवाइडेड दैट वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी डज नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट द परमिशन ऑफ रिटायरमेंट बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ दल वी कम यूफिट कहने का मतलब ये है कि आपके नोटिस देने के बाद से अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है एक्सेप्टेंस उसका लिखेगी कि यस आई एक्सेप्ट योर रिटायरमेंट ऑन सोन सो सोन सो डेट लेकिन अगर, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं कुछ कर पाई उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई और रिफ्यूज भी नहीं कर पाई या तो रिफ्यूज कर दे रिफ्यूज भी नहीं कर पाई ग्रांट भी नहीं कर पाई तो जिस डेट को आपने लिखा है उस डेट से आपका रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्वेंटी ईयर माना जाएगा इट शेल बी ओपन टू अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी टू विद होल्ड परमिशन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हुइंग यहां पर भी आपका परमिशन होल्ड किया जा सकता है परमिशन आपका जो नौकरी छोड़ने का ट्वेंटी इयर्स के बाद से जॉब छोड़ने का जो ऑप्शन है उसको होल्ड किया जा सकता है किस किस ग्राउंड पे इफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन अंडर सस्पेंशन में है तो आपको रिटायरमेंट का परमिशन ट्वेंटी ईयर्स पर नहीं मिल सकता है चार शीट हैज बीन इशूड एंड डिसिप्लिन प्रोसीडिंग आर पेंडिंग तब भी नहीं मिल सकता है इफ़ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑन चार्जेस विच मे अमाउंट टू ग्रेव मिस कंडक्ट्स आर पेंडिंग इस कंडीशन में भी नहीं मिल सकता है मिल नहीं मिल सकता है ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा प्रोवाइडेड दैट इन केसेज वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी थ्री टू एक्सेप्ट द नोटिस ऑफ वॉलंट्री रिटायरमेंट इन स्पाइट ऑफ सर्कोमस्टेज रेफर टू इसके बाद भी ये तीन कंडीशन इन तीन कंडीशन के रहते हुए भी अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रही है वॉल्ट्री रिटायरमेंट एक्सेप्ट कर रही है देन दैट अपॉइंटिंग अथॉरिटी नीड्स अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फॉर दिस रिगार्ड सो इन दिस कंडीशन जनरली इन दिस कंडीशन जनरली वॉलन्ट्री रिटायरमेंट अप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड however if appointing authority desires they can take approval of president and issue him retirement for the purpose of this rule judicial proceeding shall be deemed to be pending if a complaint or report of a police officer of which the magistrate takes cognizance has been made or filed in criminal proceeding सो so, क्या है जुडिशल प्रोसीडिंग का मतलब यह है कि कोर्ट क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल हो गई हो तो चार्जशीट फाइल होने को ही कोगनी कहते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट रेफर टू मेक मे मेक का रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू दिटी टू वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ लेस देन थ्री मंथ्स गिविंग रीजन्स अगर गवर्नमेंट सर्वेंट चाहें तो लेस देन थ्री मंथ का भी नोटिस दे सकते हैं लेकिन उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट द पॉइंटिंग ऑथोरिटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मे कंसीडर द रिक्वेस्ट फॉर कर्टेलमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ नोटिस ऑफ थ्री मंथ्स ऑन मेरिट अगर उनको लगता है कि इनका जो ग्राउंड है वो जेन्यून है जस्टिफाइड है तो उनको ये थ्री मंथ से लेस वाला नोटिस भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट हुज़ बीन इलेक्टेड हु हैज़ इलेक्टेड टू रिटायर अंडर दिस रूल एंड हैज़ गिवन द नेसेसरी नोटिस टू दैट इफेक्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी शैल बी प्रिक्लूडेड फ्राम विदड्रॉइंग नोटिस एक्सेप्ट विद द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ सच अथॉरिटी सो क्या है एक बार आपने रूल फोटी थ्री में वॉल्ट्री रिटायरमेंट का नोटिस इशू कर दिया तो उसके बाद से उसको विदड्रॉ नहीं कर सकते विड्रॉ कर सकते हैं अगर पंद्रह दिन से पहले आप रिक्वेस्ट डालते हैं कि मैं अपना वॉलन्ट्री रिटायरमेंट का जो अप्लीकेशन है उसको मैं वापस लेता हूँ पंद्रह दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा पंद्रह दिन पास कर गया तो फिर आपका विड्रोअल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अच्छा दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स अंडर द स्पेशल वलन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम आपको समझना पड़ेगा वॉलन्ट्री रिटायरमेंट अलग होता है और वॉलन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम अलग होता है वॉलन्ट्री रिटायरमेंट अलग होता है वॉल्ट्री रिटायरमेंट स्कीम अलग होता है जितने लोग ब्रांच मैनेजर हैं और रूल सिक्सटी रूल सिक्सटी वन में वन ट्वेंटी रुपीज़ का मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट वाला जो स्कीम है जो बेनिफिट है वो आईपी uh, बेनिफिशरीज़ uh, को देते हैं उनको पता है वी का मतलब क्या होता है उसमें लिखा हुआ है वी आर एस रेजिग्नेशन पर नहीं मिलता है वी आर एस पर मिलता है वी आर एस जो होता है वॉल्ट्री रिटायरमेंट स्कीम है वॉल्ट्री रिटायरमेंट स्कीम इज़ द स्कीम इट इज़ नॉट वॉलन्ट्री रिटायरमेंट वॉलन्ट्री रिटायरमेंट इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी वॉलन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम इज डिफरेंट टर्मिनोलॉजी वॉलन्ट्री रिटायरमेंट वो जो फोर्टी रूल फोर्टी थ्री में लिखा हुआ है और वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम वो होता है जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में से कुछ लोगों को निकालने के लिए अपना स्ट्रेंथ कुछ कम करने के लिए अपना मैन पावर कुछ कम करने के लिए एक स्कीम लेकर के आती है वो स्कीम में मेंशन करती है कि जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं वो उनके लिए ये पैकेज दे रहे हैं हम और इस पैकेज को देने के बाद से आपको नौकरी छोड़ने का परमिशन दे दिया जाएगा कहने का मतलब ये होता है कि वॉलन्ट्री रिटायरमेंट जो होता है वॉलन्ट्री रिटायरमेंट इज़ प्रोपोज बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एक्सेप्टेड बाई द गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर वॉलन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम इज़ प्रोपोज बाई गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर एंड एक्सेप्टेड बाई द एम्प्लॉय इन दोनों में फ़र्क है स्कीम में एक साथ बहुत लोग निकलेंगे एक पैकेज होगा उनका एक पॉलिसी होगी उनकी वॉलेंट्री रिटायरमेंट कोई बल्क में नहीं निकलता है ये पर्सनल मेरा डिसीजन है मैं निकल रहा हूँ तो इन दोनों में फ़र्क हमें समझना है वी क्या होता है प्री मेच्योर रिटायरमेंट मीन्स हाँ प्री मेच्योर रिटायरमेंट जो हम बोल रहे हैं उसको भी सुनना मज लेते हैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट मीन्स द रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई अ हेड ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ सुपर इनोशन आई ऑन हिज और हर ओन वोल्यूशन और एज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डर पासड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सो ये जो दो हमने रूल हमने पढ़ा रूल फोर्टी टू एंड फोर्टी थ्री इन दोनों में फोर्टी टू जो है ऑर्डर पास्ड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और फोर्टी थ्री जो है इट्स हर ओन वॉल्यूशन में है तो प्रीच्य मेच्योर रिटायरमेंट प्री मे, मेच्योर रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपका सुपर इन का जो पीरियड है वो सिक्सटी ईयर है सिक्सटी ईयर से पहले अगर आप अपने जॉब को छोड़ते हैं तो उसको प्री मेच्योर रिटायरमेंट कहते हैं वी आर एस क्या कहते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं द वलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम इज द लेटेस्ट मंत्रा ऑफ मैनी कॉरपोरेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वी आर एस स्कीम वी आर बाई द एम्प्लॉय इज ऑफर्ड टू वलंट्री रिटायर फ्रॉम हिज सर्विसेज बिफोर हिज रिटायरमेंट डेट सब्जेक्ट टू सर्टेन एंड कंडीशन द कंपनी ऑफर्स वी आर एस टू इट्स एम्प्लॉयज इट इज़ अ गोल्डन रूट टू कट द एक्सेस फ्लैप सो कहने का मतलब क्या है जो वी आर एस होता है वॉल्ट्री रिटायरमेंट स्कीम है इट इज़ द ऑफर फ्राम द कंपनी इट इज़ द ऑफर फ्रॉम द इम्प्लॉयर इट इज ऑफर फ्रॉम द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी इट इज ऑफर फ्रॉम द एंड एक्सेप्टेड बाई एम्प्लॉय सो वीआरएस और वॉलेंटरी रिटायरमेंट दोनों में फर्क मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको फर्क समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए नहीं समझ में आया तो ना भी लिख सकते हैं आज का नीतिश्लोक स्वभाव न जहाते साधुरा पद गोपिचन कर्पुर पावकृष्ठ सौरभ लवते तरम राम सज्जन व्यक्ति अपना नैसर्गिक स्वच्छा स्वभाव किसी बड़ी आपदा में भी नहीं छोड़ते हैं सज्जन व्यक्ति अपना नैसर्गिक अच्छा स्वभाव किसी बड़ी आपदा में भी नहीं छोड़ते हैं ठीक उसी तरीके से नहीं छोड़ते हैं जिस प्रकार आग के संपर्क में भी आकर के कपूर अपना मूल स्वभाव कपूर का मूल स्वभाव है सुगंध अपना मूल स्वभाव सुगंध नहीं छोड़ता बल्कि और भी उससे सुगंध फैलाता है कहने का मतलब यह है कि आपदा के समय में सज्जन व्यक्ति की जो सज्जनता होती है जो अच्छी स्वभाव होती है और निखरने लगती है इसलिए आपदा से घबराए नहीं आपदा हमारा एक ऑड क्वेश्चन पेपर है जिसका आंसर हमें ढूंढना है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपदा क्या है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है और उसका आंसर हमें ढूंढना है और उसका आंसर हमें अपने नैसर्गिक स्वभाव में रह के ही ढूंढना है क्योंकि वो हमारा टेस्टिंग है उस दिन अगर हमने अपना स्वभाव बदल दिया तो इसका मतलब कि हमारा वो परमानेंट स्वभाव नहीं है हम जो है मौका परस्त हो गए हैं हम जिधर ही लाभ दिखता है उधर ही बहक जाते हैं महक जाते हैं भड़क जाते हैं टर्निंग ले लेते हैं तो इसलिए सज्जन व्यक्ति जो होते हैं अपना नैसर्गिक नैसर्गिक जो उनका नेचुरल गुड बिहेवियर है वो तो किसी बड़ी आपदा में भी उसका त्याग नहीं करते हैं ठीक वैसे ही जैसे कपूर अग्नि के संपर्क में आकर भी सुगंध देना नहीं छोड़ता बल्कि और भी अधिक सुगंधित हो जाता है हमारे चैनल पर अगर